क्या बोलते हैं भाई, मामा ने देखो सही वर्ड यूज किया, संग्रहालय म्यूजियम ना, वहाँ पे जो सारी चीजों को रखते हैं। तो मामा कह रहे हैं हम संग्रहालय देखने आए हैं। हाँ, अब देखो ना, हाथ लगा पेंगुइन को, जैसे पापा ने हाथ लगाया है, पापा ने भी तो हाथ लगाया। ये टचिंग, वाओ, कैसे आपकी दस्तकारी किसी बस की बात नहीं, तो ये बनाते हैं। मामा को अच्छा लगा, जागरूकता इवेंट भी हो रहा था वहाँ पे, तो बस वो इवेंट देख नहीं पाए, मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सिलावत फैमिली, ओए हेलो कर दो, हेलो, अच्छे से करो, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज हम लोग आए, सिलावत फैमिली आई है ऑकलैंड के म्यूजियम में। पहली बार आई हूँ मैं 8 सालों में, आज तक मैंने ऑकलैंड का म्यूजियम ही नहीं देखा था। आज आए हम लोग, तो अभी फिलहाल हमारे मित्र लोग अभी पहुँचे नहीं हैं, हम आज पहले पहुँच गए हैं। तो अभी मैं आपको अंदर लेके, अंदर तो नहीं जाएंगे अभी फिलहाल, बाहर ही है, लेकिन बाहर से दिखाते हैं, चलो ऑकलैंड म्यूजियम ना। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से आए थे सीधा सामने से, हमने अपनी गाड़ी लगा दी है वहाँ पे पार्किंग में, यहाँ नीचे है। तो देखो स्टार्टिंग से हम लोग आए थे भाई वहाँ से। देखो ये जो इधर गाड़ियाँ लग रही हैं, ये सारी फ्री की है, 3 घंटे की पार्किंग फ्री है। और इधर जाके देखो, ये दिख रहा है म्यूजियम कार पार्क, ये 1 घंटे का $3 चार्ज करते हैं। तो जिनको वहाँ, वैसे तो लोग सबसे पहले देखो वहीं गाड़ियाँ लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे गाड़ी जब पार्किंग नहीं मिल रही भाई, तो बेचारे इधर ले आते हैं। तो चलो, हमें तो मिल गई 2 राउंड मारने के बाद अपनी पार्किंग। अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं। मैं पहली बार आई हूँ भाई म्यूजियम में, 8 साल से देख लो ऑकलैंड में रह रही हूँ, लेकिन आज तक नहीं आए हैं। नज़ारा कुछ ऐसा है, इसके पीछे ही ऑकलैंड हॉस्पिटल है, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में जब बनाया था मैंने दिखा उसकी, ये उसके बैक साइड में है। मैंने उसमें बताया भी था कि यहाँ पे जब काफ़ी सारे बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना, वो इसी में होते हैं, यहाँ पीछे है। तो ये है ऑकलैंड म्यूजियम, ये देखो, और ये है छोटे शरावत। देखो ये भी बाहर पार्किंग लगी पड़ी है, ये सब फ्री पार्किंग है 3-3 घंटे की कैमरे ऊपर। तो यहाँ पे पक्का कोई ना कोई आज इवेंट हो रहा है, तो अभी इतनी भीड़ है यहाँ पे, ऊपर भी 3 मिनट की पर, लेकिन लोग नीचे क्यों लगाने मिले, वो 120 की थी, हवा बहुत चल रही है, बाल खराब हो रहे हैं सारे, ऊपर से खोजुल फे भी तो बिना खोले रहा नहीं जाता जल्दी, सारे देखो चाइनीज है सारे, कुछ नहीं समझ आता इनका, इन्हें हमारा समझ नहीं आता, हमें इनका नहीं समझ आता। जो ऊँचा जो ऊँचा जो ऊँचा, अभी फिलहाल हम अपने मित्रों का वेट कर रहे हैं, फिर नहीं तो अंदर जाएंगे। देखो यहाँ से एंट्री है ये नहीं, फिर अंदर ले जाके दिखाती भाई क्या टिकट प्रोसेस है, कैसा है अंदर, क्या क्या इसमें देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अच्छा है म्यूजियम, देखने लायक चीज़ है, आना चाहिए। तो भाई मामा जी आ गए हैं, आ जाओ मामी, आप भी आ जाओ, देखते हैं अंग्रेजों के संग्रहालय क्या चीज है ये। तो आज ये लोग क्या दोबारा क्या देखने आए, क्या बोला संग्रहालय, बोल रहे क्या बोलते भाई मामा ने देखो सही वर्ड यूज किया, संग्रहालय है म्यूजियम ना, वहाँ पे जो सारी चीजों को रखते हैं। तो मामा कह रहे हैं हम संग्रहालय देखने आए। ये देखो डायनासोर का ढांचा, ये क्या चीज है ना, डायनासोर है ये, डायनासोर, हाँ, इनके ढांचा स्केलेटन रख रखा है ये, स्केलेटन मतलब ढांचा, शरीर का ढांचा, आदमी ऐसे ही करते थे, आदमी नहीं डायनासोर नहीं, लुप्त हो गए डायनासोर हुआ करते थे, आदमी तो इतने बड़े का, इनके देखो इसका बस वो रख रखी उन्होंने आकृति की, भाई इतना इस टाइप का होता है डायनासोर, और क्या फिल्म दिखा इसकी, फिल्में देखना डायनासोर की तो बड़ी गंदी, फिर बहुत फिल्में बन रखी है इनके ऊपर। तो जब उसमें लिखा हुआ है जो ऑकलैंड रेजिडेंट है ना, मैं जूम करती हूँ, उनके लिए फ्री है, और जो बना इंटरनेशनल विजिटर है जो बड़े हैं उनके 28 के, बच्चे उनके 14 के, जो 5 से 13 साल के बीच में है ना, और चाइल्ड 4 और उसके उनकी कोई फीस नहीं है। तो चलो हमारी तो फ्री टिकट है, वी आर रेजिडेंट भैया, हमने पास ले लिया अपने, ठीक है अंदर जाने के लिए, बच्चों का तो फ्री है, यहाँ से अंदर जाना है, वो हमारे पास स्कैन करेगी, आधा रुक जा, पापा के साथ चलेंगे ना।
तो भाई पवन जी हमें उस लाइन में लेके गए थे, ये हमें हम बोलते हैं मार्गदर्शन ये दिखा रहे थे अभी। तो ये पहले कभी यहाँ पर आई है? मैं पहली बार आई हूँ। कितना अच्छा लगा बता। तो पवन जी कैसे, क्यों हम वापस आ गए वहाँ से, जरा बताइए हम उस लाइन में से वापस क्यों आ गए? हमें मतलब न्यूजीलैंड वालों को यहाँ पर आना फ्री में है, तो अभी हम दूसरे रास्ते जाएंगे वो फ्री है, इधर वाला कुछ और था तो $25 की टिकट थी। डजेंट मैटर आप कहाँ के हो, 25 दिन देने पड़ेंगे। 25 दिन हम 8 जने थे भाई, $300 का खर्चा था, हमने स्किप कर दिया। चलो हम दूसरी लाइन में जाएंगे, आई थिंक यहाँ से हमारा है ना भाई, ये हमारी लाइन है, इसमें जाएंगे हम, यहाँ से घुसेंगे अभी। हाँ ऑफ ऑकलैंड, ये देखना सही वुडन है आई थिंक ये, हाँ लकड़ी, लकड़ी का काम, लकड़ी से लगा रखा है। अरे अरे वो देखो वो क्या कर रहे हैं, उसको वो जैसे वो बोट को नहीं खींचते हैं, ला के बांध देते हैं किनारे पे, तो वो उसका डाल रखा है कुछ रस्सी टाइप, ये सीढ़ियाँ अपनी। देखो भाई अभी तो बहुत है, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, और दिखाती हूँ स्टोरीज ऑफ ऑकलैंड। ये बाहर भी उन्होंने लिख रखा था ना स्टोरी, वो बहुत सुंदर बना के मतलब वुडन के उसमें डाल रखा है स्टोरी ऑफ ऑकलैंड, वो और भी सुंदर लग रहा है। अभी ट्रेन ट्रान दिखेंगे हमें अंदर, ये कौन है, पता नहीं। ये देखो सारे कप प्याले है ना, कला देखो कितने, देखने सारे कपो कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है। ये मेरे को लगता है ऐसे ही कि सब सबकी किसी की भी लगा रखी है, जैसे किसी की रेनबो एंड के बाहर है ना, किसी की माउंट इडन पे है, किसी की बीच पे है। रुक जा देखने दे तो दे, ये देखो ये सारे यहाँ पे मोरी के कपड़े इस टाइप के पहनते हैं वो लोग, और दिखाते हो सब कुछ ही स्टोर करके रखा हुआ है इन्होंने। देखो ये सारे इनके लिखा हुआ है इस पर, तो क्लब्स लिखा हुआ है, मतलब जो जो टूल्स उनके होते थे ना यूज़ करने वाले वो, ये देखो इधर, ये देखो सारे जो जो ये पहनते हैं अपने गले में, हाथों में, सर पे ना, ये देखो ये सब उनकी चीज़ें हैं। ये देखो ये ना उनके जब इनका कोई इवेंट वगैरह कुछ कल्चरल थिंग होती है सरों पे ये सब बांधते, मैंने देखा है। देखो भाई अब मैं आप लोगों को ले आऊँगी बड़ी सुंदर सी जगह पे, हाँ बड़ी सुंदर सी जगह है। व्यान शूज़ उतार दे अपने, यहाँ पे भाई जूते उतारने पड़ेंगे पहले अंदर जाने के लिए, क्योंकि साफ ही इतना दिख रहा है, दूर से मुझे इतना लग गया था कि इसके अंदर तो जाना है। ये देखो है ना, अरे भाई आ जा, अरे देखो कितनी शांति और कितनी सफाई और ये कलाकारी है सारी, देखो पूरा आना नहीं है। अभी पापा के साथ चलेंगे ना, ऐसे आगे नहीं भागते, भीड़ है फिर बेकार में मिल जाएगा इन भीड़ में ना। ये देख एक और कलाकार, एक और कलाकारी, चलो भाई मामा जी, मामा जी बस अपना पूरा भ्रमण करते हुए, मामा जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ये देखो झोपड़ी, बस मामा को बड़ी पसंद आई हाथ की।
यहाँ पे तो लोग बैठ के पूरी चीजों को पढ़ते हैं, क्या है कैसे है। अच्छा भाई चलो कुछ और दिखाते। ये देखो सारी कलाकारी ना देख रे, अलग अलग है ये, पता नहीं क्या क्या, मेरे को खुद नहीं पता क्या। ये तो बॉटल सी लग रही है पानी की। पहले ऐसे देखो बैट बूट है इन्होंने पहन रखे, इस टाइप के कपड़े पहनते हैं ना ये, इस फोटो में दिख रहे हैं इन्होंने पहन रखे हैं, ये इनके कल्चरल क्लोथ्स बोलते हैं इनको, कल्चरल कपड़े। देखो भाई जितनी भी इन पुराने जमाने के अब के जमाने में जो जो चीजें यूज करते हैं सब है। ये फिर से एक छोटी सी कश्ती, और ये नीचे देखो कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है पानी के अंदर है, बट पानी नहीं है मेरे को ऐसा लगता है कुछ कांच के ऊपर कुछ है ये, नहीं हाथ तो मैं अंदर ले जा सकती हूँ, कांच नहीं है, कुछ और ही पेंट कलाकारी दिखा रखी है। देखो सामने क्या बैंड सा बज रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे एग्जिट हो गए, ये एग्जिट बाहर निकल गए, लेकिन ऊपर भी है, सनी पहले आ रखे हैं, सनी पहले आ रखे हैं, सनी कहते हैं ऊपर भी है, बहुत बड़ा है भाई ये, बहुत बड़ा। यहाँ पे कैफे है साइड में ना, देखो ये कैफे है अंदर, वहाँ से हम आए हैं, देख सीढ़ियों पे से I'm here। यहाँ से चलेंगे हम सीढ़ियों पे से ऊपर, लिफ्ट भी है सीढ़ी भी है यहाँ, ये बस ये ऊपर आ गए हम सेकंड फ्लोर पे ना, इसके तीन फ्लोर है, तो अभी सेकंड पे देखते हैं सेकंड पे क्या क्या है। हाँ विहान रुक जा, शर्ट ठीक करो अपनी, चलो भाई ये है सेकंड फ्लोर, हम आ गए सेकंड पे। हाँ वो मैंने लिफ्ट खुली देखी थी शायद, तो बिल्कुल ऊपर चले गए भाई। फूड का खाना लाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, अंदर बाहर बैठ के खाओ, बाहर पार्क के। उधर सामने क्या बन रखे हैं भाई, ये देखो अभी दिखे, ये चले गए, ये देख क्या बन रखे हैं, पक्का यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह होगा तो ये परफॉर्म कर रहे होंगे, तभी आज ज़्यादा भीड़ भी है थोड़ी सी ना, वो चले गए, मैं कैप्चर नहीं कर पाई उनको। तो ये सेकंड फ्लोर है और ये है इसका लास्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और यहाँ से देखो अभी थोड़ी धूप पड़ रही है इसलिए क्लियर पिक्चर नहीं है। ये म्यूजियम के बाहर का कुछ ऐसा है, सामने समुंदर। हम सीढ़ियों से चल के आए हैं, हम लिफ्ट से नहीं आए हैं, तो अब हम थर्ड फ्लोर पे आ गए, तो अब थर्ड फ्लोर देखते हैं थर्ड फ्लोर पे क्या क्या है ना फिलहाल। वो देखो सामने कितनी भीड़ है भाई, मेरे पीछे भीड़ दिख रही है, वो अंदर जा रही जनता। तो फिलहाल अभी ये क्या है भाई, देखो यहाँ पे इनको जो जो मेडल मिले हुए हैं ना इनके युद्ध में जिसे कहते हैं, वो सब है, उन सब की फोटो है, सब कुछ है, ठीक है। ये देखो बुक्स वगैरह इनकी कहानियाँ जिसमें छपी हुई है, ये सब मेरे पीछे दिख रही हैं, ये सारी, यहाँ बैठो आराम से, ये पीछे देखो बैठने की जगह है, आराम से बैठो शांति से। हाँ देखो चाइनीज न्यूजीलैंड वर्ल्ड वॉर वन हाउ चौ, माँ इमोशनल हो गई देख के, इंडियन न्यूजीलैंडर एनरोलमेंट, नाम क्या है, बहाना केशा, लेबर इंडियन न्यूजीलैंडर इन वर्ल्ड वॉर श्रद्धांजलि। भाई जो बोलते नहीं इंडिया न्यूजीलैंड के वर्ल्ड वॉर में जगत सिंह जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी हुई है इंडियंस को, तभी लिखा हुआ है इंडियन न्यूजीलैंडर ना, क्योंकि यहाँ के जो न्यूजीलैंड। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, ये सारा जो ऊपर वाला फ्लोर है ये इनका जो भी मैंने यहाँ पे युद्ध वगैरह हुए हैं, जिन जो उसमें शहीद हुए, वाह
अभी देखो एक बड़ी अच्छी चीज दिखाती हूँ, पीछे दिख रहा है, ये है प्लेन, प्लेन नहीं, इसको ये पुराने जमाने में लोग अंदर नहीं जा सकते ना इसके, देखो सच में अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे गोली चलने की आवाज आ रही है। देख भाई ऐसे होता था पहले, ये देखो इनमें से फायरिंग होती थी ऐसे, ये छुपे होते थे। और देखो पहले फोन कैसे हुआ, ये रहा फोन हुआ करता था, ये रहा फोन, ये रहा फोन, पापा बात करके देख रहा है, मिल रहा है कहीं पे सनी। ये देख यहाँ पे ये जो अपने अपनी पब्लिक हॉलीडे होती है ना एनजेक डे, ये देख इसमें लिखा है फर्स्ट एनजेक डे संडे 25 अप्रैल 1915 में स्टार्ट, मतलब घोषित हुआ था कि एनजेक डे हमारी छुट्टी हुआ करेगी, तो हमारी पब्लिक हॉलीडे होती है भाई एनजेक डे पे, तो ये उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। एनजेक को हाँ पूरा बना, ये ऐसे छुप जाते थे ना इनके अंदर, ये बैठा भाई पूरा अच्छे से बना रखा है, देखो ये देखो छुप के वो देखे बंकर जिसे टाइप, ये देखो जर्मन मशीन गनर, हाँ ये देखो ये तोप हुआ करती, तोप है ये तोप, इस गोले ही छूटते थे सीधे ना देख के। ये देखो ये सारे इनके सैनिकों की फोटो है, हाँ जो सारे इन सबका लिखा हुआ है ना नाम और इनका बीच में कौन से सन, हाँ सारे, ये देखो ये भी सारे इनके नाम की लिस्ट है, ये री रिकॉर्ड ऑफ द फॉलन, सबके नाम है उधर, हाँ 1945 तक था भाई, कितने सारे लोगों की फोटो है। ये देखो भाई हाँ रख के भी जाते हैं भाई, श्रद्धांजलि दे के जा रहे हैं, देख अभी तक फूलों की महक आ रही है, हाँ वही तो कह रही हूँ फूलों की वो आ रही है पूरी, ऐसे नहीं कि बासी बूसी हो रखे, देख फ्रेश से दिख रहे हैं बिल्कुल ही, हाँ और देख लोग आधों ने तो मतलब हाथ से बना के डाल लिख रखा है, ये देख हाथ से नोट बना के छोड़ रखे हैं। मामी मैं कहा मामा कितना तो ध्यान रखते हैं आपका, लिफ्ट में भी नहीं चढ़ने दी, पूरा चक्कर आएंगे, नहीं समझते आपका ध्यान, नहीं बहू बेटे क्या समझे बस वो दे सही बात बोल रही है आज, वो कह रही है आज कल का जमाना, वो देखा सही बात बोली है वो, उनको साथ लेके पिछले दिन मेरे साथ गल्ला रहोग जे ले मरे कि मने बहू बेटे गड़ी अंतर में पत्थर दो को करता है, यानी दे डाइसो छोटा छोटा बेबी डाइसो, डायनासोर न्यूजीलैंड फॉरेस्ट 80 साल पहले भाई ये था न्यूजीलैंड का फॉरेस्ट, ये उसका एग है, ये शतुरमुर्ग है बयान, ये उसका अंडा, बयान पेंगुइन, हाँ हाँ अब देखो ना हाथ लगा पेंगुइन को जैसे पापा ने हाथ लगाया है, पापा ने भी तो हाथ लगाया, ये टचिंग वाव, ऐसे दिखाया है पूरा, वी लव राजा, राजा नाम है भाई इसका, नाम राजा है व्यान, ग्राउंड पे और पीपल एंड फेस,
और फर्स्ट पे आवर वर्ल्ड कैसा है और सेकंड पे वॉर एंड रिमेम्बरेंस जो दिखाया था वर्ल्ड वॉर वन एंड टू। ये देख इसमें देखो भैया सनी व्यान कॉकरोच है ये देख रहे मैं इसको माइक्रो आई से। हाँ ये बस चल भाई ये देखो घोड़ा है पूरा का घोड़ा है। एग्जिट ही होगा ना ये देख रही हूँ है कितना बड़ा देखियो और कलाकारी देखो इसकी। हाँ ये देखो अंदर अंदर से ओ डर से डर पहले जाएगा ऐसे। चलो भाई आज पूरा आपको मैंने दिखा दिया म्यूजियम और मामा जी ने तो बड़ा एंजॉय किया। कैसा लगा मामा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? लोगों को बहुत बढ़िया ऐसे हाथ की दस्तकारी किसी बस की बात नहीं तो ये बनाते हैं। मामा को अच्छा लगा, जागरूकता इवेंट भी हो रहा था वहाँ पे तो बस वो इवेंट देख नहीं पाया, मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा है। तो चलो मिलते हैं जल्दी किसी नई किसी ब्लॉग में नई किसी जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय कर दो तुम भी मामा। बाय बाय कर दो। बाय बिहान बाय 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 एवरीवन।